हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसे फेस मास्क की जो आपकी इस गर्मी में आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा एंड क्लीन रखेगा, फ्रेश रखेगा, एकदम आपकी जो स्किन होगी फ्लॉलेस दिखेगी। तो दोस्तों गर्मियों में ना अपनी स्किन को कुछ ज़्यादा ही हमको केयर करना होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए आपको, ताकि आपकी जो स्किन है बिल्कुल भी डिहाइड्रेट ना हो जाए। डिहाइड्रेट होने की वजह से आपकी स्किन पे पिंपल्स हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है एंड आपकी जो स्किन है ना बहुत डल डल दिखती है। तो आपको एटलीस्ट 8 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए। मैं तो बहुत सारा पानी पीती हूँ और ज़्यादातर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 12 बजे से आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। रात के टाइम जैसे जैसे होता जाता है थोड़ा आपको पानी कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे कि 6 बजे के बाद से थोड़ा पानी कम कर देना चाहिए, क्योंकि रात में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जितना हो सके आपको एटलीस्ट पूरे दिन में 8 ग्लास तो पानी एनी हाउ पीना ही है, ठीक है दोस्तों। तो गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हो तो आपको पीना ही है, बट हमें गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है अपनी स्किन का। आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली अपने स्किन प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, तो आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए। बिकॉज अगर आप नॉर्मल टू ड्राई कैटेगरी में आते हो अगर और आप फेस मास्क लगा रहे हो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन का, तो आपको वो सूट नहीं करेगा, आपको और हार्म कर देगा। हो सकता है आपको वो इरीटेशन भी हो जाए आपके फेस पे, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे रेडनेस आ जाए या फिर इरीटेशन होने लगे, खुजली होने लगे, दाने निकलने लगे, पिंपल्स हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने एक बहुत गूगल वगैरह किया, बहुत ही देखा मतलब पढ़ा वगैरह, फिर मैंने एक बहुत ही अच्छा फेस मास्क अपनी स्किन पे ट्राई किया, टेस्ट किया, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ मेरे हल्का सा एक एक्ने है, ये एकदम बहुत ही बुरा एक्ने निकला था। जो दोस्तों एकदम येलो कलर का जो पस वाला दाना होता है ना, वो मेरे यहाँ निकल रहा था। तो मैंने क्या किया, एक तो आपको नीम फेस वॉश यूज़ करना चाहिए अगर आपको एक्ने निकल रहा है। तो मैंने एक्ने फेस वॉश की यूज़ किया था, हिमालय का नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश, जो कि बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। अगर आपको एक्ने होते हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, वो डार्क स्पॉट्स को भी दूर करता है एक्ने के। एंड फिर उसके बाद जो दोस्तों मैंने ट्राई किया एक मास्क जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर हम जो मास्क बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्किन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विटामिन सी यानी कि लेमन एंड हनी के बारे में। तो दोस्तों हनी बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी दोस्तों। आपकी आपकी जो स्किन होती है दोस्तों उसको हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, क्लीन फ्रेश रखता है हनी। एंड मैं आपको बता दूँ, आप लोगों सबको पता होगा लेमन जो होता है उसमें विटामिन सी होता है, तो आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको विटामिन सी आपको अपने डाइट वगैरह में भी लेना चाहिए आपको। अगर आप सो के उठते हो तो आप लेमन एंड हनी का मतलब वाटर पी सकते हो, वर्म वाटर में थोड़ा सा आप लेमन लो, हनी लो, आप उसको गर्म पानी में पियो, नहा दूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो फेस मास्क बनाया इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया था एक लेमन, आधा लेमन लेना है आपको, बाकी आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले लेना। तो उसमें मैंने 2 से 3 ड्रॉप मैंने हनी की डाली, उसके बाद इन लोगों को अच्छे से अपने फिंगर से ही इसको मिक्स करने के बाद अपने फेस पर अप्लाई किया। उसको आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज लगा लेना है। ये ऐसा आपको डेली करना है दोस्तों। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन में आती हो तो आप इसको डेली करो, ऑयली स्किन है आपकी तो इसको आप हफ्ते में 2 बार करो, कॉम्बिनेशन स्किन है तो हफ्ते में 1 बार करो, और आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको 1 बार ही करो, ठीक है। बाकी इसको आप लोग ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट कर लेना, बिकॉज इसमें लेमन है तो लेमन ज़्यादातर लोगों सूट नहीं करता है। अगर आपको इसमें लेमन सूट नहीं कर रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर लेकिन मैंने लेमन और हनी ही मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई किया था, उसके बाद मेरी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस दिख रही थी। ये जो मास्क है आपकी स्किन को फ्रेश बनाएगा, हाइड्रेट बनाएगा, काम करेगा, जितना भी सन से डैमेज हो जाता है आपकी स्किन को वो दूर करेगा दोस्तों, एंड आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस लगने लगेगी। इस मास्क को एटलीस्ट आपको महीने तक लगा
लगाना पड़ेगा तभी आपको इसको रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज DIY जो हमारे मास्क होते हैं ना वो थोड़ा लेट असर करते हैं दोस्तों, तो पेशेंस रखिएगा, लेकिन ज़रूर इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये, मैंने खुद ट्राई किया। अगर आपके दोस्तों एक्ने हो रहे होंगे ना तो उनको भी ये ड्राई आउट कर देगा, जो स्पॉट्स रह जाते हैं एक्ने के वो भी दूर करेगा। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आपको एटलीस्ट इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, पैश टेस्ट ज़रूर कर लेना ट्राई करने से पहले। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ जाइए डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन मैंशन कर दूँगी अपना यूज़र नेम। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखो आप लोग, एंड अपनी स्किन को अपनी स्किन को हाइड्रेट रखो, एंड अच्छी डाइट लो, हेल्दी खाओ, कोई स्ट्रेस मत लो। एंड स्ट्रेस अगर आप लोगे तो उससे भी आपको एक्ने वगैरह होते हैं, तो आपको स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। एंड खुश रहना है, बाकी लोगों को भी खुश रखना है, पॉजिटिविटी आपको फैलानी है, बिल्कुल भी निगेटिविटी में नहीं जाना है। पॉजिटिव रहोगे तो अच्छा होगा सब, निगेटिव रहोगे तो निगेटिव रहने में कोई भी भलाई नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।